हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम पीएचडी एडमिशन में डिस्कस करने वाले हैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के पीएचडी एडमिशंस के बारे में, जो कि है आपका ट्रिपल आई टीडीएम कर्नूल पीएचडी एडमिशन 2021। यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिए कि आपका सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। लास्ट डेट है इसकी 21st of June। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दें। चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको thedynamicstudy.com डाल के यहाँ पे एड्रेस टैब में आपको डालना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है पीएचडी एडमिशन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन आज की हमारी ट्रिपल आईटी डीएम कर्नूल की है, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और ये आपके इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, साइंस है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश भी है, मतलब ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट भी यहाँ पर है। तो लास्ट डेट इसकी है आपकी 21st of June। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लें। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर मास्टर्स और बैचलर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब बैचलर्स भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये 250 है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर विजिट करना है, और सिलेक्शन इसका होगा आपका एंट्रेंस एंड इंटरव्यू के बेसिस पे। अगर आपने नेशनल लेवल का कोई एंट्रेंस निकाला हुआ है ऑलरेडी तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। तो इस लिंक पे विजिट कर लीजिए। ये देखिए ये नोटिस दिया हुआ है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। इस नोटिस को अच्छे से रीड कर लें, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी पूरे इस प्रोसेस की। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।